नमस्कार। खेती में कई दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों में से एक दिक्कत है जंगली जानवरों से फसलों का नुकसान। इस वीडियो के माध्यम से मैं जंगली जानवरों से छुटकारा पाने की एक बहुत ही सिंपल तरीके पर बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं मेड़ों पर करौंदा लगाने की। करौंदा एक सदाबहार कांटेदार फल वृक्ष है। इसको मेड़ों पर लगाकर जंगली जानवरों का झंझट हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक पौधा आराम से 25-30 किलो करौंदा देगा, यानी कि एक पौधा 500 रुपये भी देगा। मेड़ों पर लगे करौंदे के पौधे खेत की मिट्टी का कटाव रोकते हैं। और आपने सुना होगा, राजस्थान में अक्सर लोग बोलते हैं कि फसलों को हवा ने उठा लिया, झोले ने उठा लिया। एक्चुअली होता क्या है, जमीन में नमी होती है परंतु हवा में नमी नहीं रहती है, इसलिए फसलें सूख जाती हैं चाहे आप पानी लगाते रहें। परंतु करौंदा के पौधे आपके खेत का माइक्रोक्लाइमेट फसलों के अनुकूल बनाते हैं, जिससे हवा से फसलों को नुकसान नहीं होता है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि आप और आपके बच्चे करौंदा जैसी पौष्टिक सब्जी खाएंगे। मैं करौंदा को इसलिए भी एडवोकेट कर रहा हूँ कि करौंदा का पौधा बहुत हार्डी होता है। किसी भी जमीन में लगा दो, कम पानी में लगा दो। एक बार यदि आपने लगा दिया तो उसके बाद में इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं करौंदा की उन्नत किस्मों व लगाने के तरीके की। करौंदा की प्रमुख उन्नत किस्में पंत मनोहर, पंत सुदर्शन, पंत सुवर्णा, कोकण बोल्ड, CIHS, करौंदा 11 इत्यादि हैं। और करौंदे का पौधा कोई बहुत महंगा नहीं होता है, मात्र 10-20 रुपए में एक पौधा मिल जाता है। आप अपनी नज़दीकी किसी भी नर्सरी से या अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से आप करौंदे का पौधा खरीद सकते हैं। लगाने की तरीके की बात करें तो आप अपने खेत की मेड़ों पर गर्मियों के दिनों में 2-3 मीटर दूरी पर 1.5 बाई 1.5 फीट आकार के गड्ढे खोद दें। और जब आपको पौधे लगाने हों उससे 15 दिन पहले गड्ढों में एक तगारी गोबर की खाद और उस गड्ढे की जो ऊपरी मिट्टी आपने निकाली थी उसको और गोबर को मिलाकर गड्ढे को भर देवें। और जब मानसून की बारिश स्टार्ट हो उस समय आपके इस तैयार गड्ढे में पौधा लगा दें। और यदि डाल सको तो 50 ग्राम SSP और 50 ग्राम MOP भी उस गड्ढे में डाल दीजिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आने वाली 1-2 गर्मियों में पानी लगा देवें और हो गई आपकी करौंदे की पैसे देने वाली जैविक बाड़ तैयार। करौंदे में 2 बार फूल आते हैं, मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में। मार्च अप्रैल वाला मेन सीजन होता है। इसके फल अगस्त सितंबर में आते हैं, यानी कि बारिश में। एक पौधे से आराम से 25-30 किलो करौंदा निकलता है, वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट और देखभाल के। यदि आपको लगता है कि यार कौन करौंदे तोड़ेगा, कहाँ बेचेंगे, कौन झंझट पालेगा, तो ठेके पे दे दीजिए। आधा कोई जरूरतमंद जो तोड़ेगा वो ले जाएगा, बाकी आप रखिए। यह भी लोगों की सेवा करने का एक तरीका है। क्या आपको पता है, तकरीबन 50% महिलाएं एनीमिक हैं और करौंदा खाने से उनका एनीमिया या खून की कमी ठीक हो सकती है। एक बात मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि यदि यही करौंदा हमारे यहाँ नहीं होता तो इसकी कीमत 100-150 रुपये प्रति किलो से कम नहीं होती, और तब हम बड़े चाव से इसको खरीद कर खाते। परंतु सौभाग्य से अपने यहाँ आसानी से करौंदा हो जाता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं करौंदा की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दे रहा हूँ, एक बार आप एक नज़र ज़रूर मारिए उसमें। एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि करौंदा आसानी से हो जाता है तो इसको हल्के में मत लीजिए। यह बहुत पौष्टिक फल है, विटामिन सी और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसलिए अपनी खेत की मेड़ पर करौंदा लगाइए, फसलों को जंगली जानवरों से बचाइए, पैसे कमाइए और इन सबसे ऊपर अपने परिवार, पड़ोसी व रिश्तेदारों को जहर मुक्त करौंदा खिलाइए। नमस्कार, जय हिंद।